घर कैसे लौटूंगा? जो चोर ले गया वो स्पेसशिप को वापस बुलाने का यंत्र था। बिना इस रिमोट के वो अपने घर नहीं लौट सकता था। ना वो हमारी बोली जानता था, ना उसका कोई दोस्त था यहाँ। अकेला सहमा हुआ एक ही बात सोच रहा था, अब सॉरी पर मैंने पहले हाथ उठाया था। माफ करिएगा पर आवाज पहले हमने लगाई थी, उसके बाद आपने। देखिए मैं हरिवंश राय बच्चन की बहुत बड़ी फैन हूँ। वेरी गुड, लेकिन हम भी अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। मैं 10 साल की थी तब से उनकी कविताएं पढ़ रही हूँ, सब रटी हुई हैं। तो 5 साल के थे तब से उनके सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं, वो भी बिना रटे हुए। किसको चाहिए, कुछ फाइनल हुआ? हाँ मुझे दे दिया, इसको क्या पोइट्री समझेगी? 100 यूरोस। 40 का 100? पोइट्री को ब्लैक पे बेच रहा है? 6 घंटे लाइन में लग के लिए टिकटे, टाइम इज मनी। आप सुन लो डायलॉग्स। नहीं नहीं आप सुन लीजिए, आप लेडीज फर्स्ट। 8 यूरोस का लोन देंगे प्लीज। आप ये घड़ी रख लीजिए, कल पैसे लौटा के ले जाऊंगी। प्लीज अंकल, लास्ट टिकट है। बेटा हाउस फुल हो चुका है, कोई टिकट नहीं मिल रहा। नहीं अंकल, एक है वहाँ हीरो जो ब्लैक में बेच रहा है। बदमाश कहीं का, इन्हीं लोगों की वजह से देश बदनाम होता है, है ना? बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी दिलाता हूँ तुम्हें टिकट। Thank you. आजकल के बुढ़े, ये जनरेशन ही को चला गए। अरे जाने दीजिए ना आप, जो बीत गई सो बात गई। ऐसे कैसे जाने दूं? वो वहां बैठ के कविताएं सुन रहा होगा और मैं यहाँ पे। छोड़िए ना, जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें? आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले, थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। अच्छा है, आगे सुनो। नहीं आगे नहीं सुनाऊंगा, आगे सुनाऊंगा तो आप हमें प्रपोज कर बैठेगी। पागल हो? अरे सच्ची, आपके पसंदीदा शायर हरिवंश राय बच्चन जी सुबह एक मोहतरमा से मिले, अपनी नज़में सुनाई और शाम को उनका निकाह हो गया। पढ़ा मैंने। Really? और क्या, तो देखिए ना पैदा भी किसको किया, अमिताभ बच्चन। चग्गू। चग्गू मेरा नाम, पापा ने तो उसे भयंकर नाम दिया था, जगत जननी। स्कूल में सब चढ़ाते थे, तब मैंने शॉर्ट कर दिया चग्गू। मुंबई से हो? नहीं दिल्ली, टीवी प्रोडक्शन का कोर्स कर रही हूँ। तुम? मैं सरफराज, यहाँ पे आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ इधर ही पाकिस्तान एम्बेसी में। पाकिस्तान एम्बेसी में क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, अब इंडियन एम्बेसी में तो काम नहीं मिलेगा ना। क्या हुआ?
नहीं कुछ नहीं। पाकिस्तान से हो इसलिए हंसी फिर हो गई। मुंडा करदा की है, जॉइंट फैमिली तक नहीं है। तुसी शांत हो जाओ, मैं सब बताती हूँ। तू पहला ना दस। सरफराज मुसलमान है? हाँ जी पापा, आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। फैमिली पाकिस्तान में है। पाकिस्तान? केड़ा पाकिस्तान? माँ एक ही तो पाकिस्तान है। आई तू बुरका पाएंगी, नमाज पढ़ेंगी, जगू तेरी मत ते नहीं मारी गई। जगू तो डिस्कनेक्ट मत करना, हिलना मत, वहीं रहना, घर निकल जल्दी। सर्वनाश हो गया भगवान, मदद कीजिए। पापा कहाँ जा रहे थे जानती थी मैं। बचपन से हमने अपने माँ बाप की शक्ल से ज्यादा तपस्वी जी की शक्ल देखी थी। बाय मॉम। स्कूल के बस्तों से लेकर हमारे बाथरूम की दीवारों तक तपस्वी जी हर जगह मौजूद थे। उनसे मुहूर्त निकलवाए बिना वो अपना रूट कनाल तक नहीं करवाते थे। पापा को तपस्वी जी ने एक गॉड बॉक्स दिया था जिसमें हर कार्य के अनुरूप भगवान मौजूद थे। पापा शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे होते तो लक्ष्मी जी को स्क्रीन दिखा देते थे। ट्रेडमिल पे होते तो हनुमान जी निकाल लिए जाते थे। इंटरनेट आरती, ऑनलाइन दर्शन, कुरियर से प्रसाद, ये सब तपस्वी जी के दिमाग की पैदाइश थी। चरण स्पर्श कर। क्यों जगत जननी, क्यों आत्महत्या करना चाहती हो? एक कागज उठाओ, कलम उठाओ और लिखो। प्रभु पथ प्रदर्शित करें। जी जो आज्ञा प्रभु। भविष्यवाणी लिखो जगत जननी, ये पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम सरफराज है धोखा देगा। सरफराज धोखा नहीं देगा। इतिहास साक्षी है बेटा, इन लोगों ने छल कपट और धोखे के सिवा किया क्या है? ये तुम्हारे तन का उपयोग करेगा, भोग विलास करेगा, लेकिन विवाह नहीं करेगा, लापता हो जाएगा ये। जग तू अभी वापस आ, अगर एक रात और वहां बिताए तो समझ ले कि हमारा रिश्ता खत्म। साहनी साहब, बच्ची से मैं बात करता हूं। बेटा डिलीट बटन दबाओ और इसे अपने सिस्टम से निकालो। हेलो, क्या हुआ? Do you love me? Of course I do. क्यों? शादी करोगे मुझसे? हेलो, पर हुआ क्या? हाँ है ना सरफराज? हाँ पर कल। कल? कल हम शादी करेंगे। तपस्वी जी की भविष्यवाणी गलत है। I'll prove it. Mr. James Herrick and Miss Oprah Brown, you're next. James isn't here yet. Oh, talk to the registrar. Could you just hold this, please? Of course. Hello. This is for you. For me? Yeah. Thank you.
सरफराज की चिट्ठी थी। लिखा था, शादी दो लोगों की नहीं, दो परिवारों की होती है। हमारे देश, लोग, धर्म सब अलग है। अपनों को दुखी करके हम खुश कैसे रह पाएंगे? मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना, सॉरी। मिसिंग, मिले तो संपर्क करें पीके। इस आदमी की स्टोरी है, तू ऑफिस जा, मैं बाद में आती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप ये पर्चे क्यों बांट रहे हैं? हमारा एक तो केस पेंडिंग है इनके पास, ना साल्व कर रहे हैं ना मिल रहे हैं। लुल हो गई हमारी लाइफ, पता नहीं कौन है कोना में जाके बैठ गए। आप कहीं देखें क्या इनका? नहीं। हाँ वैसे तुमने ये हेलमेट क्यों पहना हुआ है? एक चीज से सीखा है, इल्लो कलर दूर से फोकस मारता है। इतना ट्रैफिक में भी टैक्सी सब दूर से नजर आ जाता है, तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना? नहीं तो इतना क्राउड में हम पर फोकस कैसे पड़ेगा? कहा जाता है कि जानवर सुसाइड नहीं करते। ये निक्कू है, दिल्ली के रमेश नगर के स्वीटी सिंह का कुत्ता। इसने पिछले महीने 3 सुसाइड अटेम्प्ट किए। छत से कूदने की कोशिश, स्लीपिंग टैबलेट्स चाट जाना और गैस बर्नर पर छलांग लगाना। क्यों किया निक्कू ने ऐसा? क्या निक्कू किसी मानसिक रोग का शिकार है? क्या निक्कू ओलो, आपको क्या लगता है इसको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया या सिर्फ अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर? जो भी है, व्हाई वुड आई केयर? एक्जेक्टली, व्हाई वुड एनीवन केयर? तो फिर क्यों हम अपने चैनल पे ऐसी स्टूपिड खबरें दिखा रहे हैं? अच्छा तुम क्या दिखाना चाहती हो? इधर आना, इसको पकड़ने एक मिनट। ये देखिए, मैं आज एक आदमी से मिली जो सड़कों पे पैम्फलेट्स बांट रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है। मिले? नहीं, पर भगवान को खोजना that's religion, भगवान का मिल जाना that's news। अगर उसे भगवान मिल जाए ना तो मेरे पास लेके आना, I'll put him on air। पर you know the company policy, no news on religion and no news on God, finished। क्या हो गया आपको? कहाँ गया वो फाइटर चेरी बाजवा? You want to see the fighter? दिखाओ, ये देखो, यहाँ पे 3 marks है, दिखाओ। ये birth marks नहीं है, तुम्हारे डार्लिंग डैडी के फ्रेंड वो तपस्वी है ना, उनके खिलाफ मैंने एक न्यूज आइटम रन की थी, उनके भक्तों ने आके त्रिशूल घुसा दिया यहाँ पे, यार राइट इन माय बम। उस दिन से मैंने तय किया है कि अगर इस देश में रहना है तो रिलीजन से मत उलझो, दैट्स इट, आई गॉट अ शो टू रन। बाय बाय। इस मेरी लाइफ में आई हटिए।
भगवान की जेब में हाथ डाल रहा है मूर्ख। हाँ पंडित जी, ये चोर नहीं है। मैं दान पात्र में पैसे डाल रही थी और मेरा पर्स अंदर गिर गया। ये तो उसे निकालने में मेरी मदद कर रहे थे। सच कह रही हूँ मैं, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। पर्स में करीब 5,000 रुपए, देख लीजिए। पंडित जी वो मेरे हैं। थे, एक बार भगवान को अर्पण कर दिए तो कर दी, पर अब उनके हुए। चलो जाने दो इनको। यार ऐसे तुम कर क्या रहे थे वहाँ? रिफंड ले रहा था अपना, पेमेंट वाला ले लिया और काम नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैंने देखा कि पहले तुमने वहाँ से कुछ पैसे निकाले, फिर कुछ पैसे वापस डाल दिए। ई वाला दफ्तर वाला बस 200 डिपॉजिट भरा था, उतना ही लिया, बाकी रिटर्न डाल दी। तुम बहुत सारे तावीज माला वगैरह पहनते थे ना? रिजेक्ट कर दिया, अब नहीं पहनेगा। फिर स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? सेल्फ डिफेंस। जैसे दीवार पे भगवान का फोटो लगाते हैं ना ताकि कौनो मूटे नहीं, हम यहाँ लगाता ताकि कौनो पीटे नहीं। ये लीजिए, रख लीजिए। क्या ये? टैक्सी के लिए, घर जाए खातिर। जब कौनो अपने घर नहीं जा पाता ना, हमको अच्छा फीलिंग नहीं होता। सुनिए, और नहीं हमारे पास, बस इतना ही था। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। काहे? आपको भी घर जाना होगा ना, और आपके पास पैसे नहीं है। पैसे से हम घर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, कहाँ रहते हो? ये देखा, मैं देखूंगा अभी। ओए! जग्गू! एक्सक्यूज मी। जी बोलो। वो अंदर जाना है लॉकअप में। क्यों? उस आदमी से मिलना है। मैडम ये आपको कॉलेज की कैंटीन दिखाई देती है कि अंदर गए, चाय शाय पी, दोस्तों के साथ गुफ्तगू की और निकल गए? ये लॉकअप है, लॉकअप। और ये वही आदमी अंदर जा सकता है जिसने कुछ जुर्म किया हो, समझी? हाँ। मैडम रिश्वत देना मना है। मना है इसलिए तो दे रही हूँ। अंदर कर सकता हूँ? करिए ना प्लीज। थैंक यू पाली जी। नाम क्या तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने का है, सब पीके पीके बुलावत है। करते क्या हो? एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट यानी वो जो मून मून पे जाते हैं? एक बार गया हूँ मून पे, बहुत ही लुल प्लेस है। अच्छा ओके, तो तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? हमारा अपन प्लैनेट। नहीं नहीं, और तो अच्छा है ही उसके अलावा। अरे अर्थ की तो लुल्ली बजी हुई है, हम बोला हमारा अपन प्लैनेट। जब रात हुई तब वहां ऊपर दिखेगा हमारा घर। बवाल मच गया वहां उड़न। जब पता चला एक तो और गोला है या हमरे जैसा लोग रहता है, हमको भेजा यहाँ रिसर्च करने। लेकिन आते ही का वेलकम हुआ, हमारा रिमोट कंट्रोल वही छीन लिया। सुन, रिमोट के बिना हम घर सिग्नल नहीं भेज सकता, और सिग्नल नहीं भेजेगा तो कौन आएगा नहीं हमका लेने? वो समझेगा सब कि ये डेंजर गोला है, हम मर मुरा गया यहाँ। हेलो सुनिए। क्या? ये दरवाजा खोलिए, मुझे घर जाना है। ओ मैडम, कौन कब घर जाएगा ना, ये बाहर वाले डिसाइड करते हैं, अंदर वाले नहीं। अरे मैं चोर नहीं हूँ। सब चोर यही बोलते हैं। पांडे जी कहाँ? आप पांडे जी को बुलाइए। पांडे जी राउंड अप पे गए हैं। पांडे जी,
पांडे जी। ए छोरी चुप कर जा, नहीं तो दूंगा एक। आपका लगातार हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। और नहीं तो क्या, तुम्हारे प्लैनेट की राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है? अरे हमरे गोले पे तो कोनो भाषा ही नहीं है, माइंड से पटियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ तो बोलते कुछ हैं पर मतबल कुछ और निकलता है, एक एक शब्द के चार चार मतबल। ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है, अच्छा है, मतबल सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साख में है, तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साख। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लौड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा, अच्छा। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। बहुत है कंफ्यूजन है, पूरा 6 घंटा लगा हमको भोजपुरी सीखने में। मतलब 6 घंटे में तुम पूरी भोजपुरी सीख गए? अरे कोनो हाथ पकड़ने नहीं देता था। फिर एक लेडीज मिली, कॉपरेट किया हमारे साथ, उनका हाथ पकड़ के हम उनकी पूरी भाषा अपने अंदर ट्रांसफर मान लिया। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है? तुम्हारा हाथ क्या कोई यूएसबी केबल है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स ट्रांसफर कर लेगा? हाँ, और तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे प्लैनेट पे भी लोग फेटे जींस पहनते हैं? नहीं, हमरे गोले पे तो कौनो कपड़ा पहनता ही नहीं है। जब हम यहाँ आया तो शुरू में हमका फीलिंग हुआ कि हमरे लोगन की चमड़ी यहाँ के लोगन की चमड़ी से फर्क है। कौनो की चमड़ी चमकीली शाइनिंग और कौनो की चमड़ी फुल ब्लैक काली, कौनो की चमड़ी रंगीली तो कौनो की सफेद, कौनो की चमड़ी चिपकी हुई और कौनो की चमड़ी ढीली ढाली। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। उ दिन हमरी समझ में आया कि ई गोला के लोगन की चमड़ी बिल्कुल हमरे जैसी है, सिर्फ वो अपने बॉडी के ऊपर फैशन नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। अब हवाओ तुम्हारे गोला के लोगन के साथ मिलजुल सकता था, लेकिन पता नहीं काहे सब लोग हमरे ऊपर हंस रहा था। थोड़ा टेम लगा समझे माँ कि आदमी का फैशन अलग और लेडीज का फैशन अलग। कपड़ा लगता के साथ हमारे हाथ लगा कुछ फोटो। हमका धीरे धीरे समझ में आया कि ये फोटो बहुत जरूरी है ये गोला पर सरवाइव करे के लिए। ई फोटो देके खाए के लिए रोटी मिल जाता था, सो हम ई बूढ़ा आदमी का फोटो जमा करना शुरू कर दिया। क्या है भाई? अरे यार मैंने क्यों दे रहा हो? भाई कबाड़ हमारी दुकान पर कांटे ले रहा है। हाँ या दियो अलग आजर। फीलिंग आया कि फोटो का वैल्यू सिर्फ एक किस्म का कागज पर है, दूसरा कागज पर ये फोटो का वैल्यू 0/0। अब पैसों और कपड़ों का बंदोबस्त डांसिंग कार से हो ही जाता था, वही हमारी बैंक थी और वही हमारा टेलर। एक बार तो ऐसा गजब कपड़ा मिला जाउन पहने से ये फोटो का जरूरत ही नहीं पड़ता था। लीजिए, खाना समोसा अपने आप पास आ जाता था। लीजिए सर। अब रिमोटवा ढूंढे खातिर हमका सीखना था ये गोले की भाषा। बिना भाषा यहाँ कौनो काम पॉसिबल नहीं था। जैसे ये भाई साहब को बताना कि इनके फैशन में हमका थोड़ा डिफेक्ट लग रहा था। हमका फीलिंग आया कि हम उका फैशन बिगाड़ दिया था, ये लिए हम जैसा का तैसा करेक्ट कर दिया।
सड़क पे मिला जी मन्ने, कोई कमीनो ठोक के भाग गयो। लागे से ठोकर तो है, तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कान का फूस तो नहीं उड़ गयो? बैरो है, सुनते रहे जवाब नहीं दे रहे। लागे सदमे पहुंचे, मेमोरी लॉस, याददाश्त गई। तन्ने कौन ठोकी हो याद है? घड़ी का नंबर याद है? कुछ याद है? चल भाया, चल मारे साथ। जब तक सारी मेमोरी वापस ना आ जावे ना, तू मेहमान है मारो। यहाँ ठोकते रहे अपने दिमाग में, झटका लगने से मेमोरी जावे तो झटका लगने से मेमोरी आ भी जावे। देखा है मैंने फिल्मों में। ये भाई साहब का बोल रहा था कि समझे खातिर जरूरी था हम उका हाथ पकड़ भाषा का ट्रांसफर मार लो। पिन कोड लुगाई का नाम ओए। मेमोरी गई तो औरत मर्द का फर्क भूल ही गयो। एक मिनट, ये देख मेरा लाइसेंस, सेक्स मेल, मैन आदमी, हरामी कमीना। अपने घर जाए खातिर किसी का हाथ पकड़ना भावते जरूरी था। इसको हनीमून रूम में। फुलझड़िया पेशेंस मार के बैठी रही और हम पूरा 6 घंटा तक उका भाषा अपने अंदर खींचता रहा। क ख ग एक्स बाय जेड जो भी उके अंदर था हम सब खींच डाला। फर्स्ट टाइम करे स्टार्टिंग से पहले ही लूल हो गया। जी कहाँ का रहने वाला है? बहुत है दूर से आया है जी, आप भेले जुआ का नाम ही नहीं सुना होगा। आपकी बोलिया तो हमरे जैसा ना। आप भाई से सीखा है एली, आप जैसा बोलता है सिस्टर। ए सिस्टर होगी तेरी मदर साले, चल निकल निकल ना से। भाई भाया उठो, भाया उठो, भाया भाया बोलबू लग गयो। भाया भाया हमका तुहार हेल्प चाहिए भाया। अरे के जादू करियो रे फुलझड़िया ने। भाया
हमारे साथ चलो जल्दी। ये मेमोरी और ठोकाई का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये बात तो डॉक्टर को बतानी चाहिए भाया। मजो का मजो और इलाज का इलाज। अरे के जादू करियो रे फुजड़िया ने। भैया हमारे साथ चलो जल्दी। ये मेमोरी और ठोकाई का डायरेक्ट कनेक्शन है। ये बात तो डॉक्टर को बतानी चाहिए भाया। मजो का मजो और इलाज का इलाज। मजो का मजो और इलाज का इलाज। मजो का मजो और इलाज का इलाज। भाई साहब। ये भाई हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया है। पीके है के हैं? पुलिस वालों की ये ड्यूटी रह गई तेरा टीवी का रिमोट ढूंढे। टीवी का रिमोट नहीं था वो। फिर किसका था? वो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ऐसा चेन जैसा था गले का और बहुत ही कीमती था। कहाँ चोरी हुआ? मंडावा में। हैं? मंडावा में चोरी हुआ और बावड़े तू यहाँ दिल्ली में ढूंढ रहा है? अरे लेकिन वो चोर दिल्ली में आया ना। तो चोर कहाँ मिलेगा? दिमाग के ढक्कन। 1.5 करोड़ की आबादी है शहर की। पुलिस वाले इंसान होते हैं भगवान नहीं। भगवान पे भरोसा रख बेटा। ये भगवान कौन है? जॉन हमारी मदद कर सकता है? जेका देखो सब उका नाम रट रहा है। हम जो देखा हमरा तो साला फ्यूज ही उड़ गया। ये गोला के लोग ही जान गया था कि उनका मैन्युफैक्चर कौन किया है। उनका बनाई वाला उनके साथ ही रहता था। गली गली में उका हाउस है। करोड़ों लोग अपना पिराबली मुकर पास लेकर जाता है और वो टन की सी फीस लेकर सबका तकलीफ दूर कर देता है। ऐसा कौनो मैजिक मिराकल हमरे गोले पर तो नहीं है? हमका बिलीव नहीं हुआ। हम सोचा एक तो टिराई मार लो। एक तो भगवान देना भैया। कौन सा वाला? ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500। फर्क का है ये 20 वाला और ये 500 वाला ना? साइज का फर्क है बस, बाकी सेम टू सेम। तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना? ला 15 दे। हैं? 15 15। भगवान हमको बहुत भूख लगा है, तने कुछ खाए के लिए दिलवाई दीजिए। हम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये भगवान तो काम कर रहा था। अब हम अपना घर जा सकता था। भगवान हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया, वो दिलवाई दीजिए ना। हम घर जाना चाहते हैं। भी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। क्या क्या मतलब? मतलब नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है, है? लगाओ। अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती। तो काम काहे नहीं कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है का? अरे कुछ डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। ये भगवान को आप बनाए? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया भगवान ने हम सबको बनाया है। हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। काहे बना हुआ तो उनकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सके, अपने सुख दुख की बातें कर सके। अरे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे भैया हमारा रिमोटवा चोरी हो गया है। हम भगवान से मांग रहा हूँ तो बतावा थी नहीं कि कहाँ है। पीके है क्या है? मतबल? अरे भैया छोटे से भगवान को कितना ओवरलोड करेगा? चोर के पीछे भागेंगे क्या छोटे छोटे पैरों से?
मंदिर के अंदर जा, बड़े भगवान है उनके पैर पकड़ ले, बहुत फास्ट भागेंगे। नारियल और कुछ पैसे दे देना उनका, तेरा काम कर देंगे। 200 निकाल। सब नारियल और पैसा लेके वेट कर रहा था अपना अपना काम करवाने के लिए। पूरा 2 घंटा बाद हमारा नंबर आया। भगवान भगवान भगवान, हमारा रिपोर्ट वापस दिलाई दो। किधर है? अरे चलिए भाई। अरे रुकिए, हमारा समनवा नहीं मिला अभी। अरे भाई साहब देखिए, ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं, हम फीस भी भर दिया हूँ। आपका काम हो जाएगा, चलिए आगे। कब हो जाएगा बेटा, कब कैसे बता सकते हैं? आपका काम हो जाएगा है? रास्ता दो ना। अरे लेकिन हमारा सामान कब मिलेगा? लाइन मत रोकिए आप, आगे चलिए। अरे हम आगे निकल गया और हमारा समन्वय किसी और को थमा दिया तो? पीके है का? अरे मैडम ठहरिए, क्या कर रही हैं आप? अरे लेकिन कहाँ मिलेगा सामान? मेंटल हॉस्पिटल में मिलेगा आपको। अरे ऐसा कैसे? पैसा यहाँ जमा कराया और डिलीवरी मेंटल हॉस्पिटल में? निकालो कोई इसको। अरे रसीद तो दे दो। अरे रसीद तो दो भैया, वहाँ पूछेगा तो डिलीवरी के लिए कहाँ दिखाएगा? जाइए निकलिए ऐसे, चलिए चलिए। अरे भैया हमार चप्पलवा ना ही मिल रहा है। कोई ले गया होगा, तो किसी और की ले जा, मंदिरों में रोटेशन चलता ही रहता है। वो पेमेंट वाले लिया पूरा और काम नहीं किया हमार। नाम बोल उसका। भगवान। पूरा नाम बोल। पूरा नाम नहीं पता। किधर रहता है? वो सामने वाला मंदिर मामा। तू पैसा उसके हाथ में दिया था? नहीं, उसका डब्बा में डाला। वो बोला तेरा काम करेगा? वो बोलता है तो नहीं। हाँ है। क्यों, गूंगा है शायद? होगा। अच्छा हुलिया बता उसका। डिट्टो ऐसा ही है, बस साइज में बड़ा है। इधर इधर पीके है क्या? हाँ, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? अबे गधे हैं क्या हम? 20 साल से पुलिस में, देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन पीके है कौन पीके नहीं है। कृपाल सिंह तलाशी ले जरा इसको, देख इसमें क्या है। दे मुझे डॉक्टर डिमेल। अरे डॉक्टर साहब इतना क्यों पीते हो कि अपना धर्म ही भूल जाते हो? चर्च छोड़कर मंदिर में घुस गए, दंगे कराएंगे क्या आप? आप अपने चर्च जाइए, अपने भगवान के पास। चर्च? लेकिन हम क्या किया? हम तो अभी अभी आया हूं यहां। पीके हो क्या? हाँ। God is watching you. वो देख रहा है तुम्हारा बिहेवियर। कहा? कहा? किधर है गार्ड? वो लोटा मा कहा है? वाइन। भाइन, अब जाकर बात हमका समझ में आए। गार्ड नारियल पानी से बोर हो चुका था, अब उका भाइन में मजा आ रहा था और भाइन महंगी थी।
भाई साहब यहाँ कौन हो, भगवान का घर है का आसपास? हाँ भैया ये सामने ही है आपके। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में ले या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ने। हेलो क्या है इसमें भाई? गार्ड के लिए कहाँ है? मैडम वो बहुत है सैड लग रही थी, कारण जाने खातिर हम उका हाथ पकड़ लिया। अबे विधवा को देख के ट्राई मारा साले। हां तो हर कैसे पता ये विधवा है? मैं सफेद साड़ी डाली है तेरे को दिखता नहीं क्या? इज एवरीथिंग फाइन? ब्रीफिंग इज परफेक्ट। बड़ा अफसोस हुआ कि आपके पति मर गए। What? कब? हमका का मालूम कब? आप भाई सफेद पहन के घूम रहे हो? शादी में सफेद ही तो पहनते हैं। नहीं सफेद तो मरने पे पहनते हैं। मरने पे काला पहनते स्टूपिड, समझ आया? तीनों के पति मर गए का? दिखाई साथ। अबे मैं अभी जिंदा हूँ, तू क्या? बहुत धुलाई के बाद समझ आया कि ये गोले पे एक नहीं बहुत सारा भगवान था, और सब भगवान का अलग अलग रूल्स था। सब भगवान अपना अपना कंपनी खोल रखा था, लोग उसको धर्म कहता था, और हर धर्म का अलग अलग मैनेजर था। ये गोले का हर आदमी कौनो एक धर्म से यानी कौनो एक कंपनी से जुड़ा हुआ था, और उसी कंपनी का भगवान को फॉलो करता था, दूसरे को नहीं। अब हम कौन कंपनी का मेंबर हूं? हम कौन भगवान का पूजा करूं? रिमुटवा पाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी था। ये क्या कर रहे हो? थप्पा कहाँ लगता है? कौन सा थप्पा? अरे धर्म वाली मोहरिया, कौन सी कंपनी का है कैसे पता चलेगा? भगवान थप्पा कहाँ लगाता है भाई?